आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लगातार भारत चीन तवांग टेंशन की हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फिलहाल मौजूद हैं। चीन को इस बार एक बार फिर से पटकनी मिली है। नमस्कार, देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। भारत चीन तवांग टेंशन पर लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया LSC से आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर भारतीय सेना की तैयारी कितनी पक्की है और चीन कितनी टेंशन में आ गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं जहां पर खड़ी हूं, मैं लगभग 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ी इलाके पर खड़ी हूँ और मेरे आसपास आप देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ आपको घना कोहरा नजर आएगा। ये वो इलाका है LSC का, ये वो छोर है जहां पर पहुंच पाना बेहद मुश्किल है और क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, रास्ते के आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको हर वो तस्वीर दिखाएं कि भारतीय सेना किस तरीके से इन विशालकाय पहाड़ियों पर रहकर डटकर हमारी और आपकी रक्षा हमेशा से करता आया है। और देखिए, ये वो पहाड़ी और ये घने जंगल है जहां पर लगातार हमारी भारतीय सेना बिल्कुल मजबूती से डटी रहती है। देखिए, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड पर है हम हैं, ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कम होता नजर आ रहा है, मेरी आवाज शायद बीच बीच में कट भी जाएगी, लेकिन आप देखिए ये चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घनघोर कोहरा आपको फिलहाल नजर आएगा क्योंकि हम अभी फिलहाल 15,000 से 17,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर है। ये वही LSA के आसपास के तमाम इलाके हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं जहां पर भारतीय सेना अपना दमखम दिखाने के लिए उनकी वीरता, शौर्य और साहस को लगातार हम सलाम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये वो दुर्गम और मुश्किल भरी चुनौतियां हैं जिससे पार पाकर भारतीय सेना LSA के आसपास डटी रहती है, आपकी और हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें बेहद अहम तब हो जाती हैं जब हम भारतीय सेना के शौर्य की बात करते हैं। लेकिन LSA के पास आपको बता दें कि ईस्टर्न सेक्टर में वायुसेना का युद्धाभ्यास भी शुरू हो गया है, यानी कि ईस्टर्न सेक्टर के आसमान पर आज एयरफोर्स के तमाम फाइटर पायलट्स, उनकी गर्जना हमें सुनाई दे रही है। ये युद्धाभ्यास शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक चलेगा और चीनी सीमा के पास 2 दिन तक होने वाले इस युद्धाभ्यास में वायु सेना के सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि फाइटर जेट रफाल, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर, अपाचे और चिनूक आसमान में अपना दमखम तो दिखा ही रहे हैं। हालांकि अभ्यास की योजना आपको ये भी बता दें कि भारत और चीन सेनाओं के आमने सामने आने में बहुत पहले बनाई गई थी। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि 9 दिसंबर की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद से शायद क्योंकि ये एक रूटीन अभ्यास है, लेकिन ये ताकत देखना बेहद जरूरी है चीन को कि कैसे हमने जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने तैयारी पूरी पक्की कर ली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से ये युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है, अब 5:30 बजे तक ये चलेगा, लेकिन हर बार आप देखिए कि भारतीय सेना के सामने किस तरीके से चीन को मुंह की खानी पड़ती है। पटखनी 9 दिसंबर को मिली, 2 कदम चीन ने आगे तो बढ़ाए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, 4 कदम अब चीन को पीछे हटना पड़ रहा है और पीछे तो चीन हटा ही, पिटा ही। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से चौतरफा हमला अब चीन पर हो रहा है, जो कॉर्नर फिलहाल चीन हो रहा है उसके बाद इंटरनेशनल बेइज्जती तो चीन की हो ही गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हजारों फीट की ऊंचाई पर गहरी साजिश, तिब्बत में चीन के युद्ध का रणवीर,
दुनिया चीन को हर मौके पर समझने की कोशिश करती रहती है और चीन इस कोशिश में लगा रहता है कि दुनिया को चक्कर में फंसाए रखे, क्योंकि चीन जो कहता है वो कभी करता नहीं और जो करता है वो कभी कहता नहीं। और इसी लुकाछिपी के बीच चीन तिब्बत के इलाकों में अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है ताकि हजारों फीट की ऊंचाई से चीन के फाइटर जेट फुल लोड के साथ एकदम हाई स्पीड में टेक ऑफ कर सके। चीन ने ये तैयारी अभी शुरू नहीं की है, बल्कि वो पिछले 5 साल से LAC के पास अपनी वायुसेना के लिए काम करने में जुटा है। 5 साल पहले 2017 में डोकलाम हुआ था, वही डोकलाम जहां 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और फिर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इसलिए अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने तभी प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि वो भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सके। दिक्कत ये है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके लड़ाकू विमान और उसकी प्लानिंग यहाँ पर कारगर साबित होगी। तिब्बत का पठार समुद्र तल से 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है और जब ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की डेंसिटी घटती है। इस वजह से आसमान में एक सीमा पर पहुंचने के बाद हवाई जहाज का उड़ना नामुमकिन हो जाता है और उस पर छोटे रनवे और भी दिक्कत करते हैं। इसलिए चीन अपने एयरबेस के रनवे लंबे करने में लगा है ताकि उसके हवाई जहाज पूरे वजन के साथ तेज रफ्तार में उड़ान भर सके। इसके लिए बीते 5 साल में चीन तिब्बत और शिनजियांग में 37 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपोर्ट तैयार कर चुका है। इनमें 22 तो ऐसे हैं जिन्हें सेना और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में चीन जिस तिब्बत के लिए मरने और मारने पर उतारू है, उसी तिब्बत की भौगोलिक बनावट ही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। चीन की वायुसेना की राह में तिब्बत के पहाड़ अक्सर रोड़ा बन जाते हैं। वैसे चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी मुकम्मल है। दुनिया का सबसे लंबा सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। ये सुरंग चीन के खिलाफ सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सर्दियों में मौसम खराब होने के कारण जब हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते, तब सैनिक सेला टनल के जरिए LAC तक पहुंच पाएंगे और अगर चीन ने चालाकी दिखाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे, क्योंकि करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के जरिए असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच हर मौसम में आना जाना हो सकेगा। वहां सेना की मूवमेंट सड़कों के जरिए ही हो पाती है और सर्दियों के दौरान उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जो 2 लेन के इस टनल के पूरी तरह तैयार होने के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दावा है कि 13,800 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया के सबसे लंबे सेला टनल पर बर्फबारी का असर नहीं होगा। लेकिन चक्कर ये है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। इसके साथ ही तवांग तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की तरफ से अतिक्रमण को देखते हुए भी सेला टनल की अहमियत बढ़ जाती है। ऐसे में इस टनल को तैयार करने का काम तेजी से जारी है और अगले साल तक इसके खुलने की उम्मीद है। देखिए, चीन बार बार मनमानी करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों देशों के बीच तो तभी होंगे जब चीन विस्तारवादी जो नीति है उसकी उसका ख्याल छोड़ दे। लेकिन चीन हर बार इस तरीके की हरकतें करता है जिसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन 2.5 साल में, महज 2.5 साल में जब चीन की तरफ से एक बार फिर से मनमानी की गई, एक बार फिर से चालबाजी की गई, अब जो है भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना को पता है कि अब चीन की क्या कुछ चाल है और हर पर अब भारतीय सेना की पूरी नजर बनी हुई है। चीन की साजिश का ब्लूप्रिंट, चीन की चाल का सैटेलाइट सबूत। 9 दिसंबर को चीन के सैनिकों का मंसूबा नाकाम हुआ। चीन के सैनिक LAC पर मुंह की खाने के बाद वापस अपने इलाके में पहुंचे और उसके ठीक 24 घंटे के भीतर चीन ने साजिश का नया ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया। अमेरिका की वॉर जोन नाम की वेबसाइट ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। वेबसाइट ने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की जिनके आधार पर यह दावा किया गया
कि चीन ने अरुणाचल सीमा के पास हथियार तैनात कर दिए हैं, वो भी 9 दिसंबर को हुई झड़प के अगले ही दिन। वॉर जोन नाम की इस वेबसाइट ने चीन के हथियारों की सटीक लोकेशन भी बताई है और जानकारी दी है कि चीन के हथियार तिब्बत के शिख से एयरबेस पर तैनात है। अमेरिकी वेबसाइट के दावे का मतलब ये है कि चीन एलएसी पर अशांति फैलाने का कोई नया प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि शिगस्ती एयरबेस पर 10 दिसंबर को उसके लड़ाकू विमान, ड्रोन और कई खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। ऐसे में सवाल पैदा हो रहा है कि चीन की इस तैयारी के पीछे आखिर मंशा क्या है। वैसे तो ये एयरबेस सेना और आम चीनी जनता दोनों के इस्तेमाल के लिए बना है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल चीन की सेना के लिए होता है। लेकिन एलएसी के पास इस एयरबेस पर चीन की तैयारियां कई सवाल खड़े कर रही हैं। इस बात के सबूत पहले भी दिए जा चुके हैं कि एलएसी के नजदीक चीन तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है, और अब अमेरिकी वेबसाइट ने शिगित्से एयरबेस पर ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत अर्ली वार्निंग और एयर स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम तैनात किए जाने का दावा किया है। शिगित्से एयरबेस भारतीय सीमा के काफी नजदीक है और तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगित्से में बना है। एयरबेस 1973 में बना था। 2010 से पहले इसे केवल सेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन ने उसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया। हालांकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल सेना ही करती है, क्योंकि ये चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के प्लान का हिस्सा है, और अब यहाँ चीन ने हथियार तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि चीन चोरी चोरी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में भारत ही है जो चीन को चित कर सकता है, और इसलिए चीन लगातार भारत की सीमा पर अशांति फैलाने के चक्कर में लगा है। अमेरिकी वेबसाइट के दावे के बाद तो ये आशंका भी जताई गई कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत की सेना भी चीन के खिलाफ ऐसी किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनकमिंग एंड प्रोबिंग हियर एंड देयर एंड वी हैव ऑलवेज बीन रिएक्टिव। This is the first time that we showed them that we can also do the same thing proactive to them. Proactive measures, and we can put them on the back foot. दो दिन पहले शी जिनपिंग ने कहा था कि एलएसी पर हालात स्थिर हैं, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है। चीन जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो दुनिया के सामने जाहिर नहीं करता। माना जा रहा है कि चीन ने रूस और सऊदी अरब से डील इसलिए की क्योंकि वो भारत से युद्ध लड़ने का प्लान बना रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने डील के बाद ये साफ कर दिया है कि वो चीन के अंदरूनी मामलों में नहीं बोलेंगे। मतलब ये कि अगर भारत और चीन भिड़े तो रूस और सऊदी अरब जैसे देश चीन को नहीं रोकेंगे। देखिए, एक बात तो तय है कि 9 दिसंबर की रात को जो कुछ हुआ उसके बाद से चीन बौखला गया है, चीन डर गया है और चीन पर लगातार दबाव बन रहा है, और भारतीय सेना अब पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है। तैयारी भारतीय सेना की पक्की है। 8 अरुणाचल प्रदेश में ऐसी लोकेशन भारतीय सेना की तरफ से बनाई गई है। अगर चीन की तरफ से तवांग जैसी घटना एक बार फिर से होती है तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, और इन 8 लोकेशंस में भारतीय सेना की तैयारी पक्की है। वायरल वीडियो चाहे पुराना हो, लेकिन इससे पता चलता है कि एलएसी पर टक्कर कैसे होती है। वायरल वीडियो चाहे किसी और लोकेशन का क्यों ना हो, ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है, लेकिन एलएसी पर तवांग हो या फिर गलवान या फिर कोई और मोर्चा, ये बात साफ है कि चीन और भारत की टक्कर बार बार हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के टारगेट पर सिर्फ तवांग नहीं, बल्कि 8 ऐसे पॉइंट हैं जहां उसकी बुरी नजर बराबर बनी हुई है। इन 8 पॉइंट्स पर भारत की पकड़ मजबूत है, और यही बात चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।
आपको आठों जगहों के बारे में तफसील से बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो वायरल है जो 2021 का बताया जा रहा है और इसकी लोकेशन के बारे में भी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि चीन ने जो हरकत गलवान में की है वही इस वीडियो में भी सामने आई है, लेकिन यहाँ चीन बुरी तरह खदेड़ दिया गया। एक बात साफ है कि ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है। 9 दिसंबर को तवांग में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया था। दोनों तरफ के फौजियों के बीच झड़प हुई और कई सैनिक जख्मी हुए। इसमें कोई शक नहीं कि चीन एलएसी पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके टारगेट पर लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश भी है। इस वक्त एलएसी पर दो बड़े इलाके हॉट बने हुए हैं। पहला है लद्दाख में डेपसांग और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में तवांग। इन दोनों जगहों पर भारत और चीन की फौज आमने सामने है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर है। 9 दिसंबर को तवांग में जो कुछ हुआ उसमें भी दोनों तरफ के कई फौजी जख्मी हुए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तवांग के साथ अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां चीन की गंदी नजर है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, आपको चीन के बुरे इरादों के बारे में नई नई बातें पता चलेंगी। इस मैप को बहुत गौर से देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तिब्बत बॉर्डर पर भारत और चीन की फौज 1129 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात है। अब यहाँ 8 ऐसी जगह है जिसे लेकर चीन बार बार एलएसी पर तनाव पैदा करता है। भूटान से लगे तवांग जिले को आप जानते हैं, यहाँ एलएसी पर नामखाचू, इसके बाद है यांगत्से, फिर है सोमदोरोंगचू, इसके आगे एलएसी पर है असाफिला, पूर्वी तरफ बढ़ेंगे तो लोंगजू है, उसके आगे है लमांग, फिर दिबांग वैली है जहां फिश टेल 1 और फिश टेल 2, यहां चीन की बुरी नजर रहती है। इसके आगे दिचू भी है जो भारत तिब्बत और म्यांमार के बॉर्डर के करीब ही है। चीन की ताजा हरकत के बाद एलएसी के आसपास एक बार फिर से एनकाउंटर का खतरा पैदा हो गया है। तवांग में तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद एलएसी के आसपास जिस तरीके से आमना सामना हुआ उसके बाद से ये लग रहा है कि चीन किसी बड़ी शरारत को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ताजा तकरार के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर चीन की मंशा क्या है। भारत की फौज पूरे अरुणाचल प्रदेश के एलएसी और खासकर इन 8 जगहों पर बहुत मुस्तैदी के साथ तैनात है। चाहे जितना भी खराब मौसम हो, चाहे जितने भी ऊंचे पहाड़ हो, भारत की फोर्स यहां मौजूद रहती है और ये बात चीन भी अच्छी तरह जानता है कि यहां भारत का मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं है। फिर भी 9 दिसंबर को तवांग के यांगत्से में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया और फिर पीटे जाने के बाद वापस भाग गए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। छपरा जहरीली शराब मामले में नीतीश सरकार के खिलाफ बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विवादास्पद बयान, कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर राज्यसभा में भी हंगामा, हंगामे के बाद 3 बार स्थगित हुई सदन की कार्रवाई। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 40 लोगों की मौत, जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से सदर अस्पताल में भर्ती हैं। परिजनों का रो रो कर यहां बुरा हाल। दिल्ली के मेहरौली के जंगल में मिली हड्डियां श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मैच हुई। मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों से इकट्ठा सैंपल को TFSL भेजा गया था। आरोपी आफताब की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई थी। मुंबई के लोअर परेल इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद दमकल विभाग की कई गाड़ियां लगातार मशक्कत कर रही। पंजाब के संगरूर में गाय ने महिला पर हमला कर दिया है। लोगों ने डंडा मार करके गाय को भगाया है। सीसीटीवी में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। पंजाब के अमृतसर में किसानों का बेहद उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। MSP गारंटी की मांग पर मनमाना टोल प्लाजे पर यह धरना दिया गया।
हरियाणा के रोहतक में पीजीआई में नर्सिंग भर्ती के लिए दस्तावेजों की जांच के दौरान हंगामा हुआ, मारपीट हुई। नवीन जयहिंद और अधिकारियों के बीच झड़प भी हुई। हरियाणा के पानीपत में लाखों रुपए का बिजली बिल आने के बाद लोग परेशान हैं। अनोखा प्रदर्शन लोगों ने किया है। बिजली विभाग के दफ्तर के सामने भैंस बांधकर बीन भी बजाई गई। पंजाब के फरीदकोट के कैंट रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार की सड़क हादसे में जान चली गई है। सीवरेज का आधा काम यहां पर रुका हुआ था और इसी कारण यह हादसे की वजह बनी। यूपी के गोंडा में एक ट्रक ने दो मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुछ लोगों ने महिला से बदसलूकी की, मारपीट की और वीडियो में पत्थरबाजी और डंडे बरसाते हुए ये लोग नजर आए। मुंबई के पवई इलाके में एक बुजुर्ग बस से टकरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि बुजुर्ग को ज्यादा चोट नहीं आई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के पास थाने में एक दवा की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की यह पूरी घटना हो गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में एक्शन लिया गया है। फरार चल रहे दंपत्ति के घर पर तुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शिवेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कंबल बांटने के दौरान ये भगदड़ की घटना हुई। गैंगस्टर राजू डेहट हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी उमेश गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। उमेश पर साजिश में शामिल होने और हथियार पहुंचाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने संजय त्रिपाठी की कार पर भी अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने से कांग्रेस नेता की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के हमीरपुर में शादी के घर में खाना बनाने के दौरान हादसा हो गया। गैस सिलेंडर से लीक होने की वजह से आग लग गई। 22 से ज्यादा लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पीएचडी स्कॉलर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों पर चौके टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंकने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 लोगों की रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया है। नोएडा में चाइनीज लोन ऐप से लोन लेने वालों से अवैध रूप से वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डेस्कटॉप लैपटॉप समेत कई और स्मार्टफोन समेत 135 सिम कार्ड जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चलती बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। सभी यात्रियों ने बस से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पेट्रोल पंप के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। उत्तराखंड के जसपुर में एक लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ। अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों ने विरोध किया। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को मेयर ने ही वापस जाने का फरमान सुना दिया। मध्य प्रदेश के नीमच में पानीपुरी बेचने वाले के बेटे ने एक नया मकाम हासिल किया। मेहनत और लगन से वायुसेना में पायलट बन गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में धूमधाम से बछड़े और बछिया की शादी की गई है। इस अनोखी शादी में आसपास के 4 गांव के लोग भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने सैकड़ों एकड़ फसल को रौंद दिया। ग्रामीणों को लाखों का इससे नुकसान हुआ है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ती भीड़ पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। नागरिक उड्डयन तमाम विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। हालात बेहतर बनाने पर यहां चर्चा हुई है। यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बगैर नाम लिए चीन पर निशाना साधा। कहा अपराधियों को सही ठहराने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन पर बड़ा बयान दिया है। जनरल नरवणे ने चीन को दुश्मन देश बताया। कहा चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। एनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया है। अमेरिका पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुका है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया। तवांग झड़प के बाद आज से ईस्टर्न सेक्टर में भारतीय वायुसेना का 2 दिन का युद्धाभ्यास। एलएसी के पास गरजेंगे सुखोई और राफाल फाइटर जेट। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। चीन के खिलाफ इन्होंने विरोध जताया। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर अब और चौकसी बढ़ा दी गई है। तवांग सेक्टर में चीन के साथ झड़प के बाद यहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू में आतंकी संगठन टीआरएफ ने 34 कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। टीआरएफ ने एक चिट्ठी के जरिए 34 कश्मीरी पंडितों के नाम और पते के साथ लिस्ट जारी की है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के राजनयिकों को 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फ्रांस लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा है। सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया है। फाइनल में अर्जेंटीना से उसका मुकाबला होगा। वर्ल्ड कप में फ्रांस की जीत पर अब बवाल मचा है। फ्रांस में भड़के मोरक्को के समर्थक, सड़क पर जमकर हंगामा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर एक बार बड़े हमले का दावा किया गया। ड्रोन से हुए हमले में शहर की 5 इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने रूस के 13 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। बताया गया है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन को ढेर कर दिया है। क्रिसमस पर यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से सीज फायर की कोई पेशकश नहीं की गई है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस के टॉर्चर रूम में 400 बच्चों को मौत का दावा किया गया है। दक्षिणी इंग्लैंड के तट पर इंग्लिश चैनल में प्रवासियों से भरी नाव डूब गई है। 40 प्रवासी यात्री इसमें डूब गए। 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में बर्फीले तूफान से आफत आ गई है। बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी राज्य में तूफान ने तबाही मचा दी है। बर्फीले तूफान में कई लोग लापता हैं, जबकि कई लोग इसमें बेघर हो गए हैं। पेरू में हिंसक प्रदर्शन के बीच 30 दिन के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश में चुनाव कराने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहे हैं। डीएनए सैंपल से मैच हो गई है और इससे ये साफ हो गया है कि ये हड्डियां श्रद्धा की थी। दिल्ली के मेहरोली और गुरुग्राम के जंगलों से इकट्ठा सैंपल की सीएफएसएल उनको भेजा गया। ये तमाम हड्डियां आरोपी आफताब की निशानदेही पर बरामद हुई है। तो बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको हम बता रहे हैं। डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। जो हड्डियां बरामद हुई थी मेहरोली के जंगलों में वो श्रद्धा की ही थी। अब ये स्पष्ट हो चुका है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट सामने आई है जो ये बता रही है कि हड्डियां जो बरामद हुई वो श्रद्धा की ही थी। तो इस हिसाब से दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कामयाबी। कई किलोमीटर लंबा दूर तक फैला हुआ है मेहरोली का जंगल और उससे श्रद्धा की हड्डियों को बरामद करना, अब उसका डीएनए सैंपल मैच हो जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी। तो 18 मई को आफताब ने श्रद्धा के शव को किस तरीके से ठिकाने लगाया उससे जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्योंकि आफताब और श्रद्धा जो कि दिल्ली के ही एक फ्लैट में लिव इन में रहते थे, लेकिन उसके बाद जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तो तफ्तीश इस कदर आगे बढ़ती हुई नजर आई कि पूरी की पूरी एक गुत्थी बन गई। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी लीड, ये बड़ी सफलता हाथ लगी है दिल्ली पुलिस के। और श्रद्धा के पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस उनकी बेटी के हत्यारे को सजा जरूर दिलाएगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर। विकास वालकर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे ओवरऑल जो जांच हो रही है, क्या आप और आपका परिवार उससे संतुष्ट है? जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने अच्छी जांच की है अभी तक और उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन में अभी चार्जशीट तैयार होगी, तब आपको सब पूरी जानकारी दी जाएगी।
बहुत सारे सबूत दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने इकट्ठा किए हैं, और जो दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई आई थी, कई सारे लोगों के बयान भी उन्होंने दर्ज किए हैं, जिसमें श्रद्धा के कई दोस्त भी हैं, चाहे नाडर हो, चाहे रोड्रिक्स हो या फिर राहुल रॉय, तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। और आपको लगता है कि जो यहाँ से सबूत मिले हैं, और आरोप आपने किए हैं कि वसई पुलिस ने ढंग से काम नहीं किया, अगर काम करते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जी हाँ, वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता था तो कुछ ज़्यादा सबूत मिल जाते थे, वो शायद अभी तक नहीं मिले हैं। तो अभी तक जो जानकारी मिली है वो शायद काफ़ी नहीं है, तो आगे शायद दिल्ली पुलिस जानकारी ले रहे हैं। आप लगातार दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं, आपसे जानकारियां शेयर कर रही है दिल्ली पुलिस? नहीं नहीं, मुझे तो वैसा ही कहा गया है कि वो चार्जशीट बनने के बाद ही आपको सब जानकारी दी जाएगी।